नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रौनक। चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बजाना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों, आज 11 नवंबर और दिन के 1 बज रहा है और आज की ये सेकेंड कॉल है। तो देखिए, कल वैशाली फार्मा के अंदर जो उसका क्वार्टर 2 का रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट का इम्पैक्ट भी बताऊंगा और आज की तेजी क्या है और क्या अभी भी सही समय इसमें बाय करने का, ये सब समझाऊंगा। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वैशाली फार्मा लिमिटेड के बारे में। ये देखिए, कंपनी की वेबसाइट है वैशाली फार्मा लिमिटेड। कंपनी के नाम से ही समझ आ चुका है कंपनी किस सेक्टर की है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी है। फार्मा में आपने तेजी देखी किस तरह से कि कोविड के बाद से ही फार्मा सेक्टर के अंदर पूरी तेजी है और अभी उनकी तेजी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि आपको मेडिसिन की और न्यूट्रोसूटिकल की डिमांड अभी ख़त्म नहीं हुई है। डे बाई डे इंक्रीज होगी, फार्मास्यूटिकल न्यूट्रोसूटिकल की जरूरत अभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है ना। तो इनका जो बेसिकली प्रोडक्ट का साइन है वो पी से होता है इनकी मेडिसिन के ऊपर। जब भी आप कभी लेबल देखेंगे तो पी वाला साइन की मेडिसिन आपको ज़्यादातर मिलेंगी। इसके प्रोडक्ट क्या क्या इनके पास, ये देखिए, इनके पास एपीआई फॉर्मुलेशन है, एपीआई फॉर्मुलेटेड ब्रांड है, सर्जिकल है, हर्बल है, न्यूट्रोसूटिकल है, ठीक है। इनके पास यानी कि पूरी रेंज इनों के पास जो मेनली ज़रूरत होती है फार्मास्यूटिकल के अंदर, फार्मिस्ट के अंदर, फार्मा की मेडिसिन के अंदर, वो सब चीज़ इनों के पास है, ठीक है। वेटरनरी है, तो ये सब चीज़ें इनके पास है। तो ओवरव्यू आपको समझ आएगी कंपनी किस सेक्टर की है, वैशाली फार्मा का वर्किंग क्या है, आप किस प्रोडक्ट के अंदर, ये सब चीज़ समझाने की जरूरत है नहीं आपको। ऑटोमोटिव समझ आ चुका है, ग्लोबली इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, इनके प्रोडक्ट ग्लोबली जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि पर्टिकुलर इंडिया के अंदर ही, बाकी ग्लोबली इनका। तो आप समझते हैं इसके अंदर क्या वजह है, आज किस लेवल पर ट्रेड कर रहा है, ये सब चीज़ देखते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसका गूगल पे ओपन कर लिया, ये इंडिया की कंपनी है, ठीक है, इंडिया की कंपनी है। तो बेसिकली वैशाली फार्मा लिमिटेड के ये बस ओनली आपको NSE पर रजिस्टर्ड मिलेगी। आज ये 2.5% की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रही है आज के डेट पे। आज के 2.5% एक तरफ निफ्टी गिर रहा है और दूसरी तरफ ये बढ़ रहा है, क्या वजह से बढ़ने की ये समझाऊंगा थोड़ी देर में आपको। तो ये कब से है, ये इंडिया की है, ये कब से रनिंग में, 1989 से। तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, काफ़ी लंबे समय से रनिंग में कंपनी। तो आज ये कंपनी ओपन होता है शेयर इसका 3610 रुपये पे, हाई मारता 37 रुपये, लो मारता 35 रुपये 70 पैसे का। इसका 52 हाई है 70 रुपये 05 पैसे का, 52 लो है 28 रुपये 35 पैसे का। तो अभी क्या है, अपने 52 लो के नियर बाय ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना। ये देखिए, आप 30 रुपये के नीचे नहीं गया है, सबसे अच्छी बात क्या है कि 30 रुपये के नीचे नहीं गया और सही लेवल पर हम बाइंग कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब इसका 5 दिन में इसने हमें कितने रिटर्न दिए वो देखते हैं। इसने 5 दिन में अभी तक हमें 3% के रिटर्न दिए पॉजिटिव में। 1 मंथ के अंदर इन्हें -2% रिटर्न दिया अभी तक। 6 मंथ के अंदर इन्हें 11% माइनस में दिया रिटर्न और ईयर टू डेट के अंदर अभी तक इन्हें 51% रिटर्न माइनस में दिया। आप देख सकते हैं 52 हाई लो के करीब अभी ट्रेड कर रहा है, यानी 5-6 रुपये ऊपर ही ऊपर ट्रेड कर रहा है, अभी लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है 52। तो इसलिए ईयर टू डेट के अंदर 50% माइनस में दे रहा है इस टाइम पे। ये ओवरव्यू होगा शेयर के अंदर, आप समझते हैं ना और क्या चल रहा है इसके अंदर, क्या चीज़ चल रही है। आज ये देखिए NSE पे ट्रेड कर रहा है, तो कितने इसमें वॉल्यूम उठाया गया, कितने परसेंट डिलीवरी उठाया गया वो देख लेते हैं इसको। ये देखिए, देख रहे हैं आप 11 नवंबर 2021 12 बजे तक इसमें 84% डिलीवरी उठा दी गई है। किसी भी शेयर के अंदर 90% 80 से अबव परसेंटेज डिलीवरी उठाना मतलब कि काफ़ी लोग इसमें अग्रेसिव ट्रेड रहे और देखिए होल्डिंग करना चाह रहे हैं लोगों इसके अंदर। तो डेफिनेटली इसमें अब इसमें ब्रेकआउट आने को तैयार बैठा है, शेयर के अंदर मूवमेंट बन रहे हैं, होल्डिंग भी अच्छी उठा ली गई है अभी 12 बजे तक। अभी मार्केट क्लोज होते थे पता नहीं 90% भी डिलीवरी उठा सकते हैं इसके अंदर। अब समझते हैं इसके अंदर और क्या चल रहा है इसके अंदर। पहले इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग है 56.31%, पब्लिक की होल्डिंग है 43.69%। तो ये पब्लिक और इसमें होल्डिंग, बस 2 जनों की होल्डिंग है इसके शेयर के अंदर। अब समझते हैं वैशाली का क्वार्टर 2 का रिजल्ट आया था, इसके अंदर हुआ क्या है, रिजल्ट के अंदर क्या इंपैक्ट है, तो वो समझते हैं इसका। अब इसका फाइनेंशियली ओवरव्यू समझते हैं। तो इसका मार्केट कैप है 37 करोड़ रुपये का। इसका स्टॉक पी 15.1 पर, ROC 10% काफ़ी अच्छा है, ROE इसका काफ़ी सही है 4.79, ये भी काफ़ी अच्छा है। और इसकी बुक वैल्यू है 23.3, यानी बुक वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये, कंपनी हमें अभी तक डिविडेंड नहीं दिया है। तो इसका ओवरऑल कंपनी क्या है, क्वार्टर रिजल्ट दे रही है, कंपनी के डिविडेंड नहीं दिया, प्रमोटर डिक्रीज़ करी है होल्डिंग अपनी प्रमोटर ने, कंपनी डिलीवरी सेल ग्रोथ पुअर सेल ग्रोथ दे रही है, कंपनी रिटर्न कम दे रही है, कंपनी की इनकम कम आ रही है, कंपनी के कर्जा देने के देने वो बड़े हैं, कंपनी के दिन कर्जा देने के यानी 452
0.97 डेज है कंपनी कर्ज देने के, ये भी थोड़ा सोच समझ के हम इन्वेस्ट करेंगे। बाकी देखते हैं भैया, क्योंकि फार्मा सेक्टर की कंपनी डे बाई डे ग्रो कर रही है, सेल अच्छी हुई है कंपनी की। अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ है, ये देखिए इसका क्वार्टर क्वार्टर का रिजल्ट आया था 10 सितंबर, कल इसका रिजल्ट आया था क्वार्टर क्वार्टर टू का, तो हाफ ईयरली का। तो इसके अंदर क्या हुआ, इनके सेल में ग्रोथ देखने को मिली है, यानी कि ईयर ईयर वाइज सेल में आ पाया और क्वार्टर क्वार्टर वाइज भी 2 गुना 3 गुना सेल बढ़ी है इनकी। देखिए सितंबर 2021 के अंदर इनकी सेल आई है 19, यानी टोटल ऑलर 20 करोड़ मान लीजिए आप, और जून क्वार्टर के अंदर इनकी सेल थी 8.27 करोड़ की, तो सेल में भी ग्रोथ हुई है, ठीक है। इनका प्रॉफिट भी डबल आया है, यानी ऑपरेशन प्रॉफिट यानी जब जून क्वार्टर के अंदर 1.26 था, वो बढ़ के हुआ है सितंबर क्वार्टर के अंदर 2.22 करोड़। नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, और सबसे अच्छा प्लस पॉइंट क्या है, इनका ईपीएस ग्रो हुआ है, यानी कि 0.77 था जून क्वार्टर के अंदर, वो बढ़ के हुआ है 1.33, काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है। इस वजह से शेयर के अंदर तेजी मिली देखने को, क्योंकि ईयर ईयर वाइज भी 150 गुना बढ़ के आया, क्वार्टर क्वार्टर वाइज भी बढ़ के आया, इसमें प्रॉफिट और सेल दोनों बढ़ गई। देखिए सितंबर 2020 के अंदर इनकी सेल थी 10 करोड़ की, वो बढ़ के हुई है, यानी 50% ईयर ईयर वाइज बढ़ी है, और 120% इसमें क्वार्टर क्वार्टर वाइज सेल में ग्रोथ देखने को मिली है। देखिए प्रॉफिट भी इनका देखिए 0.01 था, वो बढ़ के हुआ 2.22, यानी कि कोविड के बाद से इस कंपनी के अंदर अच्छे मार्जिन अच्छे प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे इनका ईपीएस 0.73 था, वो बढ़ के हुआ है 1.33, ये भी बढ़ा है, ईपीएस भी ग्रोथ हुआ, ईयर ईयर वाइज भी देखेंगे आप, क्वार्टर क्वार्टर वाइज देखेंगे तो ऑलमोस्ट द क्वार्टर क्वार्टर वाइज ईयर ईयर वाइज देखेंगे तो इसके जो क्वार्टर क्वार्टर वाइज के रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर का जो कल रिजल्ट है, इस वजह से इसमें तेजी देखने को मिल रही है और रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। सबसे अच्छी बात इनके सेल में ग्रोथ देखने को मिल रही है, और दूसरा इनके ईपीएस में ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो ये बहुत अच्छा साइन है कि इनके ईपीएस सेल दोनों में ग्रोथ देखने को मिल रही है, और जो हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है हम इन्वेस्टर के लिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए, तो सबसे अच्छी बात है इसका क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। ईयर वाइज भी देखेंगे तो, और ईयर वाइज क्वार्टर क्वार्टर दोनों रिजल्ट इसका अच्छा है, इनके सेल में ग्रोथ हुई है। अब समझते हैं चार्ट के अंदर चल क्या रहा है। अब देखिए वैशाली फार्मा लिमिटेड के अंदर चल के देखिए इनका चार्ट, देखिए किस तरह से हर लेवल पे करेक्शन ले रहा है, हर लेवल पे करेक्शन लेने के बाद ये फिर से अब ट्रेंडिंग की तरफ हो रहा है। ये देखिए इसके 100 डेज की एवरेज मूव है, सबसे पहले ये 100 डेज की एवरेज मूव ने क्रॉस मूविंग कराया 150 दिन के एवरेज में, 200 दिन के एवरेज मूव को, पहला इंडिकेशन तो ये देखिए आज के दिन पे यही करेक्शन का लेवल है। ये देखिए किस तरह से गैप फिलिंग होकर ये अब ट्रेंडिंग की तरफ जाने को तैयार बैठा है, तो हमें इसमें क्या करना है, 30 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है इसके अंदर आपको। तो मैं इसके शॉर्ट टर्म के टारगेट दूंगा 10 से 15 दिन के, 2 टारगेट दूंगा, बाकी आप इसे लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं, ये डेफिनेटली आने वाले 2 महीने के अंदर 50 रुपये के लेवल पे ट्रेड करेगा ये, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे करेक्टिव होके ये आगे बढ़ता है, क्योंकि अब इसमें क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट आया और निफ्टी का जब सपोर्ट मिला, क्योंकि निफ्टी में ही रजिस्टर्ड ऑल शेयर, तो जब निफ्टी बढ़ेगा तो इस शेयर के अंदर मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, और जब ये और भी इन्वेस्टर के एनालिसिस में आएगा तो डेफिनेटली इसमें और भी अप ट्रेंडिंग देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं किस तरह से RSI MACD दोनों अप ट्रेंडिंग की तरफ है। देखिए RSI में अप ट्रेंडिंग आ गया, MACD में अप ट्रेंडिंग आया, कल के दिन कल जब था 10 नवंबर को इसमें अच्छी खासी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बुलिश हुई थी, तो आज देखिए बुलिश कैंडल ट्रेड हो रही है, डेफिनेटली इसमें अप ट्रेंडिंग और भी देखने को मिलेगा। तो आपको 30 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है, पहला टारगेट मेरा 40 रुपये का है, क्योंकि ये जो कैंडल बन रही है इस कैंडल का सपोर्ट लेगा ये गिरावट के बाद से, तो जैसे इस गिरावट को पूरा करेगा ये, तो गिरावट पूरी करने का जैसे इसमें और भी अप ट्रेंडिंग आएगा, तो इसमें बहुत अच्छे अप ट्रेंडिंग देखने को मिलेंगे, ये जो पूरा लेवल क्लियर करेगा ये देखिए, तो ये यहाँ पे ये करेक्शन पूरी करने के बाद ये अब ट्रेंडिंग दिखाएगा यहाँ पे जो क्रॉस मूव करेगा आज के दिन में ये। अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं होनी, क्योंकि देखिए ये नीचे से ऊपर की है कैंडल, ना कि ऊपर से नीचे आ रही है, तो इसका मतलब ये साइन है और वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रही है, RSI MACD दोनों अब ट्रेंडिंग की तरफ है, तो इसमें जो ब्रेकआउट आने को तैयार है, यानी 21 डेज़ के एवरेज 7 डेज़ के एवरेज में क्रॉस मूव करेगा और ये गैप फिलिंग करके जा रही है करेक्शन के साथ, तो डेफिनेटली इसमें अब ट्रेंडिंग है। उसका क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट है वो भी काफ़ी अच्छा आया है, तो उसका इंपैक्ट देखने को आपको मिलेगा 1-2 दिन के अंदर। तो पहला टारगेट मेरा 40 रुपये का है, 10 से 15 दिन का टारगेट, दूसरा टारगेट मेरा 45 रुपये का, क्योंकि ये जो कैंडल ट्रेड हुई है इन कैंडलों पर सपोर्ट लेगा, ये जो कैंडल बनी हुई है 45 तक की, तो दो ये जो कैंडल है इस कैंडल को सपोर्ट लेगा, इस कैंडल के आसपास ये ट्रेड कर रहा है अभी, तो ये कैंडल जो पूरी 40 का लेवल है, क्योंकि कैंडल 41 की है, दो ये कैंडल बड़ी हैवी वॉल्यूम के साथ है, तो इस कैंडल पे जब भी जाएगा तो 45 रुपये लेवल हिट करेगा, 45 का लेवल हिट करने के बाद 50 तक के लेवल दिखाएगा आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है इस शेयर के अंदर, बस आपको होल्ड कर सकते हैं आप लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अभी 52 हाई के आसपास लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो अब इसमें मूवमेंट बन चुका है, इसका क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, तो अब इसमें मूवमेंट बनेगा, तो 30 रुपये के स्टॉप लॉस से बाय करिए, पहला टारगेट 40 रुपये का, दूसरा टारगेट 45 रुपये का,
तीनों टारगेट हिट होंगे आने वाले समय में, 10 से 15 दिन में दोनों टारगेट हिट होंगे, तीसरा टारगेट 50 में, थोड़ा लॉन्ग समय के हिसाब से। बाकी दो टारगेट आप बाय करिए और पैसे होल्ड रखिए। आई होप ये वीडियो आपकी यूजफुल है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।